हेलो गाइस, आज हम एडिट करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। इसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है। पिक्सआर्ट ऐप में जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस फ़ोटो को रिसाइज कर लेना है। तो अभी टूल्स पे जाके हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आ गया, मैं अभी इसको रिसाइज कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद आपको अभी ऐड फोटो के ऊपर जाना है और अपने मॉडल की फ़ोटो को ले लेना है। तो इस फोटो का हमें भी कटआउट करते हैं। तो हमें इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये भी हम इसको डन कर देते हैं। ये हो जाने के बाद अब जो भी पार्ट रह गया है उसको हमें वापस से कर लेना है। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो ये अभी हो जाने के बाद हमें इसको यहाँ से सेव कर लेना है और इसको ओबेसिटी को कम करके हमें इसको जूम कर लेना है। तो मैं इस तरह से एडजस्ट कर लिया। अभी इसको वापस फुल कर देना है। अभी हमें ऐड फोटो पे वापस क्लिक करना है और इस वाले पीएनजी को हमें ले लेना है। तो ये अभी हो गया, यहाँ से हम डन कर लेते हैं। अभी हमें टूल्स पे जाके एडजस्ट पे जाना है और इसके ब्राइटनेस को कम कर देना है। तो इसके साइज़ को कम करके हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया, अभी इसके अमाउंट को कम करते हैं और यहाँ से डन। अभी हमें एक और फ़ोटो ऐड करना है, तो हम ऐड फोटो पे जाके इस वाले पीएनजी को ले लेते हैं। इसका जो ब्लेंड मोड है इसको हमें स्क्रीन करना है। अभी हमें इसका एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज करना है, तो इरेज पे जाके हमें इसको इरेज कर लेते हैं इस तरह से। और ये यहाँ से हो गया। अभी हमें इसको वापस कॉपी कर लेना है, इस तरह से हमें पूरा एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से हो गया, अब इसको यहाँ से डन कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद हमें अभी इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं अभी इफेक्ट्स पे जाता हूँ और कलर्स पे जाके ये वाले ऑप्शन को हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका बॉडी जो पानी के अंदर है सिर्फ उसी को ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से साइज़ देख लेता हूँ और इस तरह से आपको अप्लाई कर लेना है। तो अभी ये यहाँ से हो गया, मैं अभी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है।
अभी हमें टूल्स के ऊपर क्लिक करके एडजस्ट पे जाना है और हम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, ये इतना। अभी हमें फिर से ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इस वाले पीएनजी को हमें ले लेना है। तो मैं एडजस्ट पे जाके इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ इस तरह से। और ये हो गया। अभी इसके ब्लेंड मोड को हमें स्क्रीन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी लगा देता हूँ, ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इस फोटो को ड्रॉ पे जाके इसको सेव कर लेना है। अभी हमें इस फोटो को लाइटरूम ऐप में ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप में। और ये ऐड होने के बाद आपको इस टेम्परेचर वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसके सैचुरेशन को कम कर लेना है। तो मैं इतना रख लेता हूँ। अभी हम इसके टेक्सचर को थोड़ा बढ़ाएंगे और क्लैरिटी, फिर विग्निटी को थोड़ा कम करेंगे। अभी हमें मिक्स टूल के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो ब्लू टोन है उसका हमें सैचुरेशन बढ़ा देना है। तो मैं अभी इस तरह से कर लेता हूँ। अभी इसके येलो टोन का सैचुरेशन हमें कम करना है और ऑरेंज का भी, फिर यहाँ से डन। अभी हम इस फोटो के शार्पिंग को बढ़ाएंगे और इसका नॉइस रिडक्शन। तो अभी ये यहाँ से हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बिफोर वाला फ़ोटो है और ये आफ्टर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो और देखने के लिए।